हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज मैंने चना और लौकी के सब्जी बनाया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो चने और लौकी का सब्जी आप कभी भी बनाइए और खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ, नान के साथ, ये तंदूरी नान के साथ बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो आइए आज हम चने की और लौकी के साथ चने की दाल बनाते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत इजी वे में बन जाएगी। तो दोस्तों लौकी और चने की सब्जी के लिए सबसे पहले तो हमें लौकी की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रफली चॉप किया है 300 ग्राम लौकी और इसे मैं कुकर में डाल दूँगा। तो आइए सबसे पहले तो मैंने 300 ग्राम लौकी चॉप कर लिया है और यहाँ हमारे पास एक कप चने की दाल है। तो आइए इसे पहले तो मैं कुकर में डालकर और 4 सीटी लगाऊंगा। दोस्तों मैं सिंपल बिना कोई मसाले के अभी मैं ऐसे ही पहले तो कुकर में प्रेशराइज कर दे रहा हूँ 4 सीटी से। तो दोस्तों मैंने कुकर में डाल दिया है हमारा लौकी और जो चने की दाल है, तो अब इसे हम 4 सीटी लगाएंगे। अब तब तक जब तक हमारा 4 सीटी लगेगी और गैस को हम अंदर ही छोड़ देंगे जब तक ये ठंडी हो जाएगी, तब तक हम प्याज और लहसुन और टमाटर काट लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कुकर में जो हमने लौकी और चने की दाल रखा था वो 4 सीटी लग गया, लेकिन उसका मैं प्रेशर रिलीज नहीं करूँगा। तो आइए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले तो मैं कढ़ाई लिया और उसमें तेल डाल दिया और तेल गर्म हो चुका है दोस्तों। तो हम इसमें हल्की सी जीरा और छोटे 2 लाल मिर्च डाल दिए और उसके बाद हम इसमें, यहाँ मैंने 3 लहसुन की कलियाँ काट रखा था उसे भी डाल देता हूँ और इसे हम मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया हूँ, उसे भी डाल देता हूँ और इसे खूब अच्छी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगा। तो आइए इसे हम अब गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो प्याज है गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आइए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाला अच्छी इस प्रकार के दोस्तों कि मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ लाल मिर्ची पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से हल्की सी कम मैंने काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिया है। इन मसालों को मैं इसमें अब डाल देता हूँ और डालने के बाद हम इसे चला लेते हैं। तो ज़्यादा हम अभी फिलहाल तो मसाले को नहीं पकाएंगे, बस हम इस तरह से चला लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर को इस तरह से चॉप किया हुआ डाल देता हूँ और इसके बाद हम टमाटर डालने के बाद उसको फिर हम पका लेते हैं जो हमारा मसाला है। तो जब तक हमारा इधर मसाला पकेगा तब तक हम अपना कुकर देख लेते हैं ओपन करके, इसमें से गैस निकल चुका है। तो आइए सबसे पहले तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे मसाले को पका लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा मसाला भी पक गया है, रेडी हो चुका है और तेल छोड़ चुका है मसाला और हमारा यहाँ लौकी और चने का भी हाल ठीक है। तो आइए पहले तो हमारा जो चना और लौकी है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों सारे मेरे जितने भी हैं सारे को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, हालांकि पानी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेंगे और पानी को सुखा लेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले तो इन पानियों को सुखा लेता हूँ। तो इसे मैं हाई फ्लेम पे छोड़ देता हूँ 5 मिनट के लिए, इसमें ये पानी सूख जाएंगे। फिर उसके बाद हम धनिया पत्ती डाल लेंगे इसमें। तो दोस्तों हो गए हैं 3 मिनट और अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल दिए हैं और इसे धनिया पत्ती डालने के बाद दोस्तों हम 2 मिनट और इसे ढक के पकाएंगे ताकि इसका पानी और सूख जाए। तो दोस्तों 2 मिनट बाद मैंने इसे गैस को बंद कर दिया है और इसे मैं ढक देता हूँ। और ये देखिए हम यहाँ तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए आप घी या कॉमन जो तेल है उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो
बटर यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ बटर यूज किया है। और तड़का लगाने के लिए आप या तो आप लहसुन का तड़का लगाइए या फिर प्याज का या मिर्च का या फिर जीरा का। तो मैंने यहाँ प्याज और मिर्च और जीरा यूज़ करूँगा। तो आइए हल्का सा इसमें जीरा भी डाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया है। तो आइए इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं पहले, तो फिर उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़का में जब फायर हो जाती है, आग लगती है, तो और भी अच्छा लगता है। इस तरह से तो आइए अब हम तड़का लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं यहाँ इसमें तड़का लगा दिया हूँ। अब इसे हम 2 मिनट के बाद ओपन करेंगे ताकि हमारा जो तड़का है उसका खुशबू पूरा फैल जाए, हमारा जो चने और लौकी का सब्जी है। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा तड़का लगाए हुए 2 मिनट हो चुका है। और ये देखिए हमारा बेहतरीन जो चने की दाल और कद्दू की सब्जी है लौकी का, वो देखिए बहुत ही बेहतरीन बन चुका है, ये आप भी देख रहे हैं। तो आइए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको सर्व करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमारा लौकी चने दाल की सब्जी रेडी है और ये काफ़ी बेहतरीन बना है दोस्तों। ये हमारा चना और लौकी भी गल चुका है और देखने में भी खूबसूरत दिख रहा है। तो इसे कई लोग दबा देते हैं चने को, मीन्स पूरे घोल देते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है और ये कुछ हल्का हल्का दिखेगा वो भी अच्छा लगेगा। ये भी गल चुका हुआ होता है, बस हम इसे प्रेस नहीं करते हैं, इसे पूरा दबाते नहीं हैं। तो आप बिना दबाए हुए भी इस तरह से चने और लौकी की सब्जी बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।